पढ़ रहा है आसान ने और मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। लोग यही कहते हैं हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। रिव्यू तो क्या है जिंदाबाद कुत्ता मजेदार तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना कौन सा गाइस। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। लेट्स गो। दैट बात इस तरह है यार कि चूंकि आजकल हम बाहर नहीं जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। आज टर्टल बीच का भी पिकनिक का प्लान था लेकिन कॉलेज वाले गए लेकिन हम नहीं गए बिकॉज हम पिछली दफा गए थे। पिछली दफा मजा आया था लेकिन क्योंकि एक दफा हुआ है दोबारा ब्लॉग बनाने का कोई मकसद नहीं है। पिछली दफा अगर आप देख सकते हो उसमें हमने काफी मस्ती की थी। एक मस्ती तो हमने ये की थी यार कि सब जो है यही कह रहे थे मतलब बीच पर जाने हैं तो कुछ शॉर्ट्स मॉट पहन कर जाओ, कुछ ट्राउजर बरमूदे वगैरह कुछ पहन कर जाओ। लेकिन हम भाई कपड़े लेकर गए वो भी शरारत की वजह से। चार पांच दोस्त थे मैं, मीरान, हफीज और कासिम। कासिम ने हमारे साथ धोखा किया, उसने पैंट शर्ट पहना हुआ था। हालांकि उसने कहा था कि मैं कपड़े पहनूंगा मतलब शलवार कमीज पहनूंगा। हम तीन तो भाई शलवार कमीज में गए थे। सारों की नजरें हम पर ही थी यार भाई ये क्या कर गया है। तो इस तरह मतलब बंदा थोड़ा वो लगता है ना कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज करके आया है। इस तरह करते यार आज का ब्लॉग मैं बनाऊंगा लेकिन घर में ही। क्यों? बिकॉज कुछ बाहर जाने के लिए है नहीं। सही है। तो आज आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या करता हूँ अपने प्रेप्स के टाइम। सही है। तो लेट्स ग्रो। अपने कमरे का तो मैंने अपडेट आपको दे दिया। सॉरी मैंने नहीं दिया, मीरान नहीं है। हम तीन बंदे फ्लैट में हैं, मलिक साहब, कारी और मैं। आज के बाद किसी को भी अपने रियल नाम से नहीं बुलाया जाएगा, सबके निक नेम्स होंगे। जिस तरह हमजा मतलब कारी साहब, वकार मतलब मलिक साहब। सही है। कारी साहब पढ़ रहा है डेंटल मटेरियल। हर से प्रोफ तो सूरज पाती थी। प्रोफ तो यो 15 रोज इस्ता। प्री प्रोफ थे। प्रोफ तो म्याज दो दी। म्याज दो दी। विदेश ले टुम शी। अदा सब्जेक्ट संग ड्राई देगा आसान दे। दा ख ग्रान दे। वो संचिवे दे। ये तो परखा। टीचर तो सोखते। जरखान। ओ मे मलक साहब पढ़ रहे द वन एंड ओनली फार्माकोलॉजी। कार से मलक साहब उधर ना पता लगी जा फार्माकोलॉजी। हाँ ना बुक मैंने देखा हुआ है, ये सालों से देखते आ रहे। अच्छा इस तरह है कि प्रोफ में भी कितना टाइम रहता है, आपकी तैयारी कितने है ये बताओ। मैं तो दोनों ही रहते हैं। हाँ दिसंबर एंड जनवरी। अच्छा पढ़ाई बस चल रही है। चल रही है, हमारा भी बस यही मतलब पढ़ाई चल रही है। मतलब प्रेप्स आसान है इस दफा की मुश्किल है? थोड़े बहुत आसान है। अच्छा थोड़े बहुत आसान है। और मैं क्या पढ़ रहा हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। लोग यही कार्यक्रम हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 5 hours later चूंकि प्रेप से और आजकल हम खाना बाहर से खा रहे हैं लेकिन आज मेरा मूड बन गया दाल चावल खाने का। तो मैंने फूड पांडा का ट्राई किया लेकिन उधर बहुत ज्यादा मतलब पता नहीं क्या मिल नहीं रहा था पहले, लेकिन जब मिल भी जाते हैं तो मुझे यकीन मतलब होता नहीं है इतना बाहर खाना पड़ता, इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता। मतलब कोई होटल हो तुमने खुद देखा हो, सफाई वफाई का ख्याल है फिर से ही, लेकिन फूड पांडा पर मेरा अक्सर शक ही रहता है। अदर देन दोस फ्रेंचाइजेज विच आर लाइक मतलब गुड लाइक KFC मैकडोनल्ड वगैरह तो वो तो सही है, लेकिन ये दूसरे। समीउल्ला भी आ गए हैं हम असिस्ट करने। आज के हमारे कुक है समीउल्ला। समीउल्ला आज क्या बन रहा है? दाल चावल। अच्छा दाल चावल। ये सब कटाई मटाई से मैंने खुद कर लिया। अभी इधर जो है हम चावल मावल क्या करेंगे, बॉईल करेंगे फिर उसके बाद हाँ फिर दाल माल। अभी रेसिपी नहीं, ये मेरे चैनल में रेसिपीज नहीं चलती है, सिर्फ इधर हाईलाइट्स दो बस। तो कटिंग हो गई है, बाकी ये सारा कुछ हमारा भी खराब हो गया था। मतलब फ्लैट फुल इधर उधर हो गया था बिकॉज ऑफ मतलब कुछ किसी का ख्याल नहीं था ना इसके पीछे। सारा बहुत हमने साफ कर लिया है, अभी कुकिंग इधर से थोड़ी बहुत हम अपने करेंगे। तो पहला डिश हमारा है दाल चावल बाई समीउल्ला। मजदूर भी पहुंच गया है। अस्सलाम वालेकुम मजदूर। क्या हाल है? आप किधर गए थे? मैं गया था चाचू के यहाँ। अच्छा आपके साथ कोई मतलब रिसेंटली कुछ हुआ है कि नहीं? आपका फेस कुछ बता रहा है, कोई हादसा वगैरह हुआ है? हुआ है ना। अच्छा वो रिवील अब ना करो, इस पर पॉडकास्ट करनी है तुम्हारे साथ सेशन विद सर। सही है। तो ये अपने चाचू कर गया था और ये कोइंसिडेंस देख ले कि इसने भी आज कपड़े पहने हैं, मैंने वरना तो हम नॉर्मली पहनते नहीं है इधर। मतलब अजाब है ना, पहनो फिर इस्त्री करो फिर दो फिर दो फिर इस्त्री। पैंट शर्ट तो हम दो तीन महीने इस तरह चला देते हैं तभी सर करते हैं यार कि दाल चावल पकते फिर आपको दिखाएंगे। और क्या करना है इधर? ट्यूशन पढ़ने आओ? क्या पढ़ने आए हो? हम इधर ट्यूशन करते हैं ना, DM का डिस्कशन करते ग्रुप, एक चैप्टर ये पढ़ाता है एक चैप्टर मैं पढ़ाता हूं, इस तरह करते हैं हम। तो भी आपको दिखाएंगे डिस्कशन टाइम वो रहे।
और लेट्स तो हमारा फाइनली दाल का तड़का हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुबशिर सदीक हाजिर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू जो हमने पहले किया था अच्छा, हम कुछ कह रही है इस टाइम हमने इसको टमाटर डाल दिया है, तड़का हो रहा है बस। अभी सीनियर शेफ से जानते हैं। सीनियर अब किस तरह आपको एक्सपीरियंस किस तरह रहा? वेरी बैड। इसको हम मंथली 10,000 रुपए देते हैं, इंशाल्लाह ये हमारे प्लेट को साफ। ऐसे ही बकवास कर रही है, हमारा टाइम जाया कर रहे हैं। मैं आपको काम के कम बताता हूँ कि हमारी अपडेट ये कि हमारा बजदार चावल तैयार होने वाला है। स्टडी हम कर रहे हैं, वो बुक पड़ी है, कभी स्टडी कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, तो बस मिक्स काम चल रहा है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, लेम्बू कार होता क्या आपको? समझ रहे हो, समझ रहे हो। ऑल राइट, सो हमारा दाल चावल फाइनली रेडी है, चावल हमारा रेडी है। अनिश भाई बैठ गया। अनिश भाई रिव्यू दो क्या है? ये हमारा हो गया निहारी, कार से हमने निहारी लाई थी उस टाइम दोपहर के टाइम, और ये पकाया है समी ने दाल। तो समी वेरी गुड ब्रो, थैंक यू। अभी रिव्यू दो शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। मजेदार मजेदार मजेदार। जरा करते, मैं ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओहो मजेदार। अभी है यार हमारे प्रेप्स में चाय का टाइम, तो हम जाएंगे चाय के लिए। तकरीबन मतलब 11 बजे चाय का टाइम हो जाता है मेरा, हमारा मतलब चाय के लिए चलते हैं। फिर उसके बाद मैं आऊँगा, स्टडी करूंगा, जिस तरह आता हूँ फिर आपके साथ में। लाइक मैं आपको रूटीन शेयर कर रहा हूँ कि रूटीन हमारा क्या है। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो रहा है। सही है सही है, तो बस आते हैं फिर मिलते हैं। 5 hours later. इस तरह है यार कि हम चाय में हमने पी लिया है, सब कुछ हो गया, मच्छरदानी अभी भी लगी हुई है, बिकॉज डेंगू अभी तक कराची से गया नहीं रहा। लिटरली कुछ ही दिन पहले मेरे एक दोस्त को डेंगू हो गया था, मतलब हमारे साथ पढ़ता नहीं लेकिन बस दोस्त है, इधर इंडस में पढ़ते हैं सभी लोगों के साथ। तो इस तरह है यार कि उसके लिए ये प्रोटोकॉल उसके लिए किया है, सही है। अब इस तरह है यार कि क्या करना है, अब मैंने सोना है, रात की 2 बजे है, मैं सो रहा हूँ। इंशाल्लाह कल सुबह जिस तरह उठूंगा आपके साथ में, और मैं भी रूटीन हमारा सेट है, मतलब रात को सो सुबह उठो। सुबह मिलते हैं फिर इंशाल्लाह 10-11 बजे को उस टाइम में फिर मिलते हैं, सही। तो सी या एट 10 AM बाय। प्रोग्राम में थोड़ा चेंज आ गया, जिस तरह बाबूराव गणपतराव आप तक आया था। मैं प्रोग्राम में थोड़ा चेंज रहने का, संडे को संडे को मस्त ना धो के सो नहीं रहा। मैं सोचा कि घंटा दो मैं स्टडी करूँ, बिकॉज स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा रहता है, तो माइक्रो की बुक खोल दी है, इंशाल्लाह बाद में सोऊंगा। तो सोचा कि आपको भी अपडेट कर दूं, सही है। तो तो अभी तकरीबन बज रहे हैं 12 बजे, और फ्रेश फ्रूश हो गए हैं हम, उठ भी गए हैं, सब कुछ हो गया है। और अभी मुझे स्नैपचैट से पता चला भाई कि आज जुम्मे का दिन है। आई वाज थिंकिंग कि आज थर्सडे होगी, लाइक जुमरात वगैरह होगी, लेकिन पता नहीं था कि आज जुम्मे का दिन है। तो मैंने अनिश को डायरेक्टली कॉल की भाई जान आज बिरयानी के लिए चलते, इस तरह ना हो कि हम लेट हो जाए। सुबह टाइम लाइक 1.5 आवर, इधर होती है नमाज तकरीबन 1:30 बजे, इंडस में हम पढ़ते। इस तरह करता हूँ मैं, लंच के लिए जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर आपको अपडेट करूंगा, फिर जाऊंगा नमाज के लिए। ओके बाय। मैं आपको बाहर नहीं लेकर जा सकता हादसे की वजह से, नहीं लेकर जा सकता, लाइक हम अभी डरते हैं। इस तरह कर दो आपको पॉडकास्ट में पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेने से ये क्या हुआ हमारे साथ, अभी हम क्यों डरते हैं इतना, और डरना भी चाहिए, याद करनी चाहिए, सही है। तो मैं चलता हूँ लंच के लिए, बाय बाय बाय। अभी अभी मुझे याद आया कि रात को तुमने भाई 1.5 सारा चावल और 1.5 सारा दाल पका लिया था, तो वही कह लो बाहर जाने क्या जरूरत है। तो अभी मैं अपने लिए चावल गर्म कर रहा हूँ, साथ में दाल भी गर्म कर लिए। पैसे पुसे बचाते हैं, मतलब बचत करते हैं, बजट पे चल रहा है, सही है। तो यही करते हैं बाहर नहीं जाना। आए हाय 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 हाय। तो अभी यार इस तरह सही रहे जी। तो भी इस तरह है यार कि जुम्मे की नमाज हमने पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया, लंच भी हो गया, अनिश भाई अपना फ्लैट चला गया। इस तरह बात है यार कि रूटीन में आपको दोबारा समझा देता हूँ। कल 2 बजे हमने व्लॉग स्टार्ट किया था, 2 बजे हम उठ जाते हैं, जिस तरह बिरयानी वगैरह खा ली मैंने, फिर स्टडी, फिर उसके बाद जो है हम तकरीबन 5 बजे तक स्टडी करते, 5 के बाद हम चले जाते हैं, बीच में नमाजी भी होती है, 5 बजे के बाद हम चले जाते हैं चाय के लिए, चाय जब हम पी ले फिर उधर से हम 6 बजे तकरीबन वापस आ जाते हैं, 6 से लेकर 7 तक घर वालों से बातें, खुद गप शप बस ये हो जाती है, 7 से हम फिर डिनर का इंतजाम करना शुरू कर दे। डिनर जिस तरह हो जाता है 8 या 8:30 तक, तो हम बैठ जाते हैं थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद 11 बजे हम दोबारा चाय के लिए चले जाते हैं, बिकॉज चाय के बगैर हमारा जीना मुश्किल है, लाइक मतलब बहुत। चाय में हम गपशप भी लगाते हैं और चाय
पढ़ाई भी हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे 12 बजे आती थोड़ी बहुत स्टडी, देन सो जाती है तकरीबन 2 बजे मैं सो जाता हूँ। सर रात को मैं सोया था, फिर दोबारा उठो सुबह 12 बजे या 10 बजे या 11 बजे जितना भी टाइम हो उठ जाते हैं, नमाज और डिनर सब कुछ करके 2 बजे तक फारिग। अभी हम 2 बजे या अभी 2:30 बजे रहे, 2:30 बजे तक हम ठीक है दोबारा फारिग हो जाते हैं, फिर दोबारा स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन चल रहा है आजकल बीडीएस सेकंड ईयर के प्री प्रॉफ का और प्रॉफ का। प्री प्रॉफ हमारा 15 दिन बाद है और प्रॉफ हमारा है 2 महीने, स्टडी हमारी बिल्कुल जीरो है। तो बस कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह, निकाल देंगे, टेंशन नहीं है। बाकी इस तरह है यार कि किसी ने कुछ पूछना हो लाइक किसी भी हवाले से, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर बीडीएस के हवाले से, तो उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। लाइक आपका भाई अच्छा टीचर भी है, कार्य साहब अच्छा टीचर है कि नहीं? जी जी बहुत जबरदस्त टीचर है। डॉक्टर नजीब को पीछे छोड़ दूंगा मैं, इस तरह टीचर इस टाइम है चुड़ी आ चुका है नीचे खड़ा है, ये रहा ए चुड़ी, राजा राजा ए चुड़ी वेलकम ए चुड़ी वकार से ए चुड़ी के बारे में क्या है सारे ख्याल है? आगे बोलूंगा म्यूट को गाना। ये है डॉक्टर वकार। अच्छा निकनेम भाई, वो आपका क्या निकनेम होगा व्लॉग में? मजेदार 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 बस भाई मजेदार। ये चूड़ी मलक साहब भोसले वाला बस यही है। और इस तरह है यार कि हमने सोचा कि मतलब थोड़ा बहुत खर्चा कर लेते हैं, इधर होटल पर आ गए, मतलब कढ़ाई मढ़ाई मारते हैं, मतलब हम कमजोर हो गए यार, डाइट हमारा खराब है एजुडी की वजह से, ये भी इसकी बरकत है कि ये हमें ले आया। तब इस तरह की आज के बाद इस तरह मैंने आपको बताया कि ब्लॉग में किसी का रियल नेम नहीं इस्तेमाल होगा, सबके निक नेम्स होंगे। तो फजल ने अपना नाम रख दिया है मियाँ साहब, इसका तो एजुडी है, इसका मलक साहब आज के बाद। सही है, तो बस यही करेक्टर आज के बाद होगा किसी पर आपने जिनको वही नॉर्मल नाम होगा सर। नहीं मेरा नेम नो करेक्टर चलो मैं सोचता हूँ जिस तरह ये डिसाइड करने के मेरे लिए हम कर देंगे। सही है, मेरा अपना नाम होगा सॉरी सर खान। सही है, तो बस ऑर्डर आते हैं फिर आपको कहा दिखा दी किस तरह है। 2000 years later और तो बात इस तरह है, खाना वाना हमने खा लिया, उसके मैं वीडियो बनाने पाया बिकॉज सेमी का मोबाइल बंद हो गया। मैं अपना लिया अच्छा, मैं अपना नहीं लेकर गया और सेमी का मोबाइल बंद हो गया। अदनान का आज के बाद व्लॉग में नाम होगा डॉक्टर आदि, शाहरुख का निक नेम चलेगा अभी एचओडी, डॉक्टर आदि, मलक साहब, मियाँ साहब, मजेदार, ये सब ये चलेंगे। और विकी वकार मलक साहब दे मलक हाँ तो ये होगा। तो इस तरह करते हैं यार कि बस अभी रात हो गई है दोबारा, लाइक दोबारा रात हो गई। तो इस तरह है यार कि अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ना है, लाइक मतलब डिस्कशन करते ग्रुप स्टडी करेंगे उसके बाद फिर सोएंगे। तो इस तरह करते हैं कि आज का ब्लॉग फिर यही खत्म करते हैं, ये पार्ट में नहीं ऐड करने वाला था लेकिन एचओडी आ गया तो सोचा इसको भी ब्लॉग में थोड़ा बहुत ले लूँ, मतलब सही है। तो इस तरह करते हैं कि अनिश भाई ब्लॉग एंड कर दो यार। थैंक यू सो मच, इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब डॉक्टर जरहान चैनल। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।